कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक एक के पदों में व्यक्त कीजिए। कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, कहने का मतलब बच्चों ये है कि साइन ए, कॉज ए, टैन ए, कॉट ए, ठीक है, और कॉसेक ए को हमें सेक ए में लिखना है। ठीक है, साइन ए, कॉज ए, टैन ए, कॉट ए, कॉसेक ए को हमें सेक ए में लिखना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर वन किया था कि साइन टैन, ठीक है, साइन टैन और सेक को कॉट में लिखना था, उसी अनुसार ये क्वेश्चन हमें करना होगा। बच्चों साइन को हमें लिखना है सेक में। बच्चों आप जानते हैं कि जो सेक होता है वो कॉस का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, सबसे पहले हम साइन की बात कर लें। साइन, ठीक है, साइन को हमें सेक में लिखना है और सेक जो है वो कॉस का व्युत्क्रम होता है। बच्चों साइन और कॉस में जो संबंध होता है, जो सर्वसम्मिका होती है, वो ये होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर वन। ठीक है, हमने ये सर्वसम्मिका इसलिए ली है क्योंकि कॉस जो है वो सेक का व्युत्क्रम होता है। ठीक है बच्चों, साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा वन माइनस कॉज स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए बराबर वन माइनस वन अपॉन सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए बराबर एलसीएम देंगे तो बच्चों हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। ओके, अब बच्चों हमें साइन को लिखना है तो ये जो स्क्वायर है वो इधर आके रूट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक ए। ठीक है, क्योंकि जब हम वर्गमूल लेंगे बच्चों, जब यहाँ पर वर्गमूल लिया जाएगा तो ये यहाँ रूट चढ़ जाएगा और ये जो स्क्वायर है वो हमारा हट जाएगा। तो इस तरीके से साइन को सेक में लिखा जा सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब बच्चों दूसरा देखते हैं। इसमें दूसरा है कि कॉज को सेक में लिखिए। बच्चों आप जानते हैं कॉज ए बराबर होता है वन अपॉन सेक ए, तो इस तरीके से इसे लिख दिया। अब तीसरे पर आ जाओ यानी टेन ए पर। बच्चों टेन ए को हमें सेक में लिखना है, टेन ए को सेक में लिखना है। कैसे लिखा जाएगा बच्चों, टेन और सेक में एक संबंध होता है, एक सर्वसमिका होती है। वह सर्वसमिका थी सेक स्क्वायर ए बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमें टेन को सेक में लिखना है तो क्या करेंगे, टेन ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन बराबर टेन स्क्वायर ए। ओके, अब टेन को सेक में लिखना है इसलिए हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो बच्चों इस तरीके से हम वर्गमूल ले सकते हैं और ये टेन ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो टेन ए को हमने सेक में लिख दिया। अब किसकी बारी आती है, कॉट ए की। बच्चों कॉट ए बराबर होता है वन अपॉन टेन। ठीक है, कॉट ए बराबर होता है वन अपॉन टेन ए, और टेन ए की वैल्यू हम यहाँ से लगा दें तो कॉट ए को हमने सेक में इस तरीके से लिख देंगे। अब बात करते हैं कॉसेक ए की। तो बच्चों कॉसेक ए बराबर होता है वन अपॉन साइन ए। ठीक है, और बच्चों साइन ए को हमने सेक में इस तरीके से लिखा था, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक ए, ये सेक ए ऊपर चला जाएगा अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो इस तरीके से कॉसेक ए को लिखा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से कॉसेक ए को सेक ए में लिखा जा सकता है। तो बच्चों इस तरीके से जो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन्हें हमने सेक में लिख लिया। बच्चों कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिए। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर तीन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीन